हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द लेसन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इंग्लिश क्लास 10। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि डच डाइन रियली राइम विद लाइन, यानी जो डाइन वर्ड है, ठीक है, डी वाई आई एन है, ये क्या राइम कर रहा है लाइन के साथ। राइम मीन्स होता है कि किसी भी हम वर्ड को या सेंटेंस को जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, सेम तरह के आवाज आते हैं उसके लास्ट में, तो हम उसको बोलते हैं राइम, ठीक है। तो हम डाइन जब कह रहे हैं, डाइन जब कह रहे हैं, तो इसमें राइमिंग आ रहा है कि नहीं लाइन के साथ, ठीक है। तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डस, यानी जो डाइन है हम इसे लाइन के साथ मैच करा सकते हैं नहीं एज ए राइमिंग, ठीक है। तो आंसर है नो, डाइन डज नॉट राइम विथ लाइन। जो डाइन वर्ड है, ठीक है, वो बेसिकली लाइन के साथ राइमिंग नहीं कर रहा है। राइमिंग मीन्स क्या है, एक साथ हम लोग प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो एक सेम जैसा आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। इफ वी चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लाइन बाय स्पीकिंग इट एज अ लेइंग, यानी हम प्रोनाउंसिएशन चेंज करके अगर हम बोलते हैं, ठीक है, ऑफ लाइन बाय स्पीकिंग एज अ लेइंग, देन इट मे बी राइम विद द वर्ड डाइन, ठीक है। अगर हम लाइन को लेइंग बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि डाइन लेइंग, ठीक है, तब क्या हो रहा है, तब राइमिंग बन रहा है, ठीक है। लेकिन डाइन और लाइन क्या है, ये राइमिंग नहीं बन रहे हैं, ठीक है, बन रहे हैं। तो अगर हमें इसे राइमिंग बनाना है तो जो डाइन है, डाइन के साथ हमें क्या बोलना पड़ेगा, लेइंग, डाइन लेइंग, ठीक है, तब जाके क्या होगा, राइमिंग बनेगा, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लाइन, यानी इसमें जो कवि है वो किस तरह से कहता है कि आप किस तरह से लाइन को पहचान सकते हैं। एंड टाइगर, टाइगर और लाइन को कवि कहता है आप किस तरह से पहचान सकते हैं। व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम, क्या आप मतलब जो पोयम मतलब कवि ने बताया है उसके अकॉर्डिंग जाके आप एक लाइन और एक टाइगर को पहचान सकते हैं। तो आंसर है अ लाइन इज अ लार्ज एंड 20 बीस्ट। जो लायन होता है वो क्या होता है, पीले कलर का जानवर होता है, ठीक है, बड़ा होता है और पीले कलर का जानवर होता है, ठीक है। टाउनी मीन्स होता है पीला, ओके। अ बंगाल टाइगर हैज अ ब्लैक स्ट्रिप ऑन इट्स येलो कोट, अगर वो बंगाल टाइगर रहेगा तो येलो कलर के रहेगा लेकिन ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स रहेंगे, ठीक है, ब्लैक ब्लैक उस पर रेखाएं रहेंगी, ओके। अ लायन रोर्स व्हेन इट्स फॉल अपॉन इट्स प्रे, यानी जो एक लायन होता है जब वो अपना शिकार करता है तो वो क्या करता है, दहाड़ता है, ठीक है, रोर करता है, ठीक है। वाइल्ड टाइगर अटैक साइलेंटली, जो कि जो टाइगर होता है वो अपने शिकारी को साइलेंटली अटैक करता है, ठीक है। यहाँ पर दो मेन डिफरेंस है, जैसे कि जो लायन होता है वो अपने शिकार करते समय, ठीक है, क्या करेगा, वो दहाड़ता है, ठीक है, लेकिन जो टाइगर होते हैं वह अपने शिकार साइलेंटली पूर्वक करते हैं, कहीं पर छिपे रहते हैं और अचानक से उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से लायन और टाइगर को आसानी से पहचान सकते हैं। While a tiger attacks silently, we can identify the two while roaming in the jungle. अगर दोनों जो टाइगर है लायन एक तरह से मतलब समानता मतलब घूम रहे हैं जंगल में टहल रहे हैं, उसको अगर हम देखें तो हम जान सकते हैं कौन सा लायन है और कौन सा टाइगर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, Do you think the word lift and leap in the third stanza are spelled correctly? क्या आपके हिसाब से जो यहाँ पर लेफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है, LEPT लेफ्ट लिखा हुआ है एंड LEP लेफ्ट लिखा हुआ है, तो जो इसकी स्पेलिंग है सही है गलत है। वाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस, जो कवि है इस पोएम में बेसिकली इस तरह के वो मतलब जो स्पेलिंग है क्यों ऐसा स्पेल किया है, ठीक है। तो आइए जानते हैं, इसका आंसर है कि द वर्ड लेफ्ट एंड लिप आर द नॉट स्पेल्ड करेक्टली, जो वर्ड लेफ्ट है और लेप है वो दोनों का जो स्पेलिंग है गलत है, ठीक है, ये दोनों स्पेलिंग सही नहीं है। ऐसा कवि ने क्यों कहा मतलब क्यों किया है अपने पोएम में, द पोएट हैज स्पेल्ड देम लाइक दिस इन ऑर्डर टू मेंटेन द राइम्स ऑफ द पोएम, यानी पोएम ने इसको इसलिए यूज किया है क्योंकि जो पोएम की राइमिंग है वो मेंटेन हो सके, ठीक है, इसलिए पोएम ने इसको यूज किया, ओके। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड लिफ्ट, यानी इसका सही स्पेलिंग, ठीक है, लेफ्ट का सही स्पेलिंग क्या है, लिफ्ट है, LEAPT, ओके, एंड लेप का सही स्पेलिंग क्या है, लिप, लिप मीन्स छलांग लगाना, ठीक है। तो
इस तरह से, इसलिए मतलब जो कवि है इसलिए इसका यूज किया गलत स्पेलिंग करके, क्योंकि जो लास्ट में जो राइमिंग होती है बोलने की जो प्रोनाउंसिएशन होती है उस पोएम में क्या था, इस तरह से यूज करने से क्या हो रहा था, इस वर्ड को यूज करने से राइमिंग अच्छा से बैठ रही थी, ठीक है। तो इसीलिए वो पोएट ने इसे यूज किया है। द पोएट हैज intentionally spelled them incorrectly to create a sense of humor, यानी sense of humor create करने के लिए जो poet है कवि है इस तरह के word को यानी mistake spell को use किया है यहाँ पर। Question number 4 है, do you know what a bearing is, bear hug is, यानी क्या आप जानते हैं bear hug का मतलब क्या होता है। It is a friendly and strong hug such as bear are thought to give, यानी यह क्या है एक तरह से एक स्ट्रॉन्गली ए फ्रेंडली हग है, ठीक है, एक जो कि एक बियर मतलब एक भालू देना चाहता है। एज दे अटैक यू, जैसे ही आपको अटैक करते हैं, अगेन हाइनास आर थॉट टू लव द क्रोकोडाइल टू वीप, वो क्या करते हैं जैसे ही वो अटैक करते हैं आप पे, वो क्या करते हैं एक तरह से वो क्रोकोडाइल टू वीप मतलब एक तरह से वे रोने की प्रतिक्रिया मतलब एक तरह से आपको क्या करते हैं डराने की कोशिश करते हैं, या एक तरह से हम लोग कह सकते हैं इसको कि वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, ठीक है, जैसे कि क्रोकोडाइल टीयर्स, ये क्या एक तरह से मुहावरा है। एज द सोलो देयर विक्टिम, जैसे वो अपने शिकार को खा जाते हैं, ठीक है, जैसे अपने उस शिकार को खा जाते हैं, आर देयर सिमिलर एक्सप्रेशंस एंड पॉपुलर आइडियाज अबाउट वाइल्ड एनिमल इन योर ओन लैंग्वेज, वो क्या होते हैं सेम अपने ही तरह वो बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है अ बियर हग इज व्हेन द बियर हग्स इज प्रे टाइटली, यानी बियर हग मतलब इसका होता है जो बियर मतलब भालू होता है वो अपने शिकार को टाइटली पकड़ लेता है विथ बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से अपने शिकार को जब वो पकड़ लेता है एंड डिप्रेस हिम टू डेथ, और जब तक दबाए रखता है तब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है। देयर आर इंडीड सिमिलर एक्सप्रेशंस एंड पॉपुलर आइडियाज अबाउट एनिमल्स इन एवरी लैंग्वेज, इसलिए एनिमल के बारे में ढेर सारे आइडियाज हैं और ढेर सारे मुहावरे हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है इन हिंदी, हम हिंदी में कहते हैं कि वी से हम कहते हैं कि मगरमच्छ के आंसू आना, इसका मतलब क्रोकोडाइल टीयर्स होता है, ठीक है, हाथ के दांत दिखाने के और खाने के और, ठीक है, ये भी क्या है एक तरह से मुहावरा है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये भी क्या है एक तरह से मुहावरा है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये भी क्या एक तरह से मुहावरा है। तो इसमें पोएट बता रहा है कि जो बियर होते हैं भालू होते हैं अपने शिकार करने से पहले क्या करते हैं एक तरह से वह आंसू बहाते, मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाते मतलब झूठ में वो रोते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं वो अटैक करते हैं जब शिकार पर, तो उसको तेजी से उसको दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ढेर तरह के मुहावरे यहाँ पे यूज किए गए हैं, मतलब क्या क्या किस सिचुएशन में कैसे मुहावरे यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लुक एट द लाइन अ नॉन वाइज माइट नॉन प्लस, ये लाइन हमें देखना है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, A non-wise might non-plus. How would you write this correctly? आप इसको किस तरह से करेक्टली लिख सकते हैं? Why is the poet incorrect line better in the poem? मतलब इस poem में basically जो poet कवि है इसको क्यों मतलब गलत करके लिखा हुआ है? तो answer है, the line a non-wise might non-plus can be retained correctly as, जो कि इसको सही से लिखा जा सकता है, जैसे कि a non-wise might be non-plus, ये क्या है correctly है, ठीक है, मतलब ये correct लिखा गया है। However, the poet incorrect the line in better in the poem as it maintain the rhymes of scheme of the poem. यानी जो poet होता है basically इस तरह से इसलिए लिखता है क्योंकि वो maintain करना चाहता है rhymes को, ठीक है, rhyme को maintain करना चाहता है poem में. So by writing incorrectly, non plus rhymes with thus, ठीक है, यानी non plus के साथ rhyme के क्या बैठता है, thus बैठता है, okay? Question number 6 है, Can you find other example of poet taking liberty with language? क्या आप example दे सकते हैं जो कवि है basically क्या कर रहा है, poet taking liberty मतलब आजादी ले रहा है, ठीक है, liberty means होते हैं आजादी, okay? So क्या आपके हिसाब से जो poet है वो language से क्या कर रहा है, अपने language से आजादी ले रहा है, either in English or in your own language, English में या अपने language में, ठीक है, वो उसे छुटकारा पाना चाहता है। Can you find example of humorous poem in your own language? क्या आप अपने language में किसी poem को पा सकते हैं? So here example है, answer इसका, One can find plenty of example in a poetry where the poets take the liberty with language. This is called the poetic license. इसको poetic license भी कहते हैं, जो कि अपने language से छुटकारा पाना चाहते हैं, ठीक है, liberty पाना चाहते हैं। The poet takes such a liberty in order to create proper rhymings. ये इसलिए
लैंग्वेज का यूज करते हैं क्योंकि उनको राइमिंग बैठाना होता है, ठीक है, यानी राइमिंग सेट करना होता है अपने पोएम में। एंड और राइमिंग, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग लाइन्स द वर्ड प्रेस्ड, यानी इस एग्जाम्पल जैसे आप देख लीजिए प्रेस्ड, यहाँ पे लिखा हुआ प्रेस्ड इज यूज टू इंस्टेड ऑफ द प्रेस्ड, यानी प्रेस्ड के साथ, मतलब यहाँ पर प्रेस्ड लिखना चाहिए लेकिन जो पोएट है उसको प्रेस्ड लिखा है, ठीक है, क्योंकि उसको राइमिंग बनाने के लिए वो प्रेस्ड का यूज किया है, सो दैट इट मे राइम विद द ब्रिस्ट, सो इसलिए वो जो प्रेस्ड है वो ब्रिस्ट के साथ राइमिंग बैठ सके या राइमिंग हो सके। अ ट्री होज हंग्री विद अ माउस प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ एज स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेस्ट यहाँ पे लास्ट में क्या हो रहा है ब्रेस्ट, यानी दोनों की राइमिंग बैठ रही है, तो इसका मतलब जो पोयम होता है काफी अच्छा लगता है, मतलब पढ़ने में जब राइमिंग उसकी अच्छी होती है, तो इसलिए जो कवि होते हैं वो जानबूझकर वो स्पेलिंग मिस्टेक करके ऐसा यूज करते हैं कि जो उनकी राइमिंग मतलब जो पोयम की राइमिंग रहे वो मेंटेन होती रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोयम अराइज फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज्ड ऑल्दोह द आइडिया आर फनी एज वेल, यानी जो पोएट हैं ढेर सारे लैंग्वेज अपने तरफ से क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक है, वो काफी फनी भी होता है, ऑल्दोह द आइडिया आर अ फनी एज वेल इफ देयर आर अ पर्टिकुलर लाइन्स इन द पोएम दैट यू स्पेशली लाइक, अगर कोई भी लाइन है जो आप पोएम में स्पेशली उसको क्या करते हैं लाइक करते हैं, शेयर दिस लाइन विद द क्लास, आपको उस लाइन को क्लास के साथ शेयर करना है। स्पीकिंग ब्रीफली अबाउट व्हाट इज अबाउट दैट आइडिया और द लैंग्वेज दैट यू लाइक टू आर फाइंड फनी, ठीक है, आपको क्या करना है उस लाइन के बारे में बताना है कि आप उस लाइन में क्या अलग आपको लैंग्वेज मिला या क्या उसमें फनी मिला, आपको अपनी क्लास को बताना है, ठीक है। तो आंसर है वे द पोएट हैज यूज लैंग्वेज एंड आइडिया इन द पोएम इज इंडीड ह्यूमरस, यानी जो पोएट होते हैं वो आइडिया इसलिए यूज करते हैं, ठीक है, पोएम में, और जो यूज करते हैं जानबूझ के फॉर द राइमिंग मेंटेनेंस, ठीक है, कि वो राइमिंग जो हो सके मेंटेन हो सके, और वो ह्यूमरस भी होता है एक तरह से, ह्यूमरस होता है मतलब हास्यपद होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा मजाकिया टाइप का होता है। द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट अपीयर टू बी फनी आर, यानी काफी फनी भी लाइन होते हैं, ठीक है, वो सारे जो पोएम अपने तरफ से अपने अकॉर्डिंग मतलब मिसस्पेल करके मतलब स्पेलिंग मिस्टेक करके यूज करते हैं पोएम में। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट आउट ग्रीट यू द आइडिया दैट अ वाइल्ड बीस्ट इज गोइंग टू वेलकम टू यू क्वाइट फनी, ठीक है, जानबूझ के इस तरह से लिखते हैं, जैसे नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू द आइडिया दैट द वाइल्ड इज बीस्ट गोइंग टू वेलकम, मतलब इस लाइन का मतलब है कि जो आइडिया है इसके पीछे इस लाइन के कि जो एक बीस्ट है मतलब एक जानवर है जो आपका वेलकम कर रहा है यानी स्वागत कर रहा है फनी वे में, ठीक है। द लैंग्वेज इन द लाइन ही विल ओनली लीप एंड लिप अगेन इज ऑल्सो वेरी ह्यूमरस, यानी यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, ही विल ओनली लिप एंड लिप अगेन, लिप लिप कोई वर्ड नहीं होती है इसलिए यहाँ पर जानबूझ के लिप की जगह लिप का यूज हुआ है, ठीक है, ये भी क्या एक तरह से बहुत ही क्या है हास्यकर है या विनोदी है, मतलब यहाँ पर काफी फनी है, ठीक है, हम देख सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिप फ्रॉम द वर्ड लिपर्ड जनरेट ह्यूमर, ठीक है, लिप का मतलब यहाँ पर है लिपर्ड, ठीक है, ही ओनली लिप एंड लिप अगेन, तो यहाँ पर लिप का मतलब है लिपर्ड, तो जानबूझ के जो पोएट होता है वो जानबूझ के मिसपेल करता है और वहां पर अपने राइमिंग को मेंटेन करने के लिए वो जानबूझ के ऐसे तरह के वर्ड का यूज करता है, ओके। सो यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।